यू जमाई नाटा है कुंगर यू कुंगर नु यू खागर नु का मैं जमाई नहीं टांदा सुनो 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 मिनट में फांसी आ गई इसका है कौन सकते भाई फोन करते थोड़े रुक जाएंगे फोन स्कूल में किसे फोन लाउड है स्कूल में बालक लेने मेरे आ रहे हाँ भाई तुम वीडियो बनाने लग रहे सर मत हमने तुमने चाहिए तो समझाने भाई सोनीपत का गन्नौर में आ रहे थे रुके तो थे आड़े चाय पीने खातर लेकिन देखिया भाई कुछ भाइयों का रोला हो रहा है और किस बात पर रोला हो रहा है पूछेंगे मामला के है और यहाँ आजकल जो रोले रबदे हैं घनी जगह देखने में मिले हैं और के मामला हो गया अरे के बात होगी रे ओ भाई अरे के बात होगी भाई करमू अरे 20 मिनट होगी इसने मैं यार तब लिया का मखड़ा खड़ा रोला क्यों करो था मेरे यार तू दो मिनट के नाम का भी तरह से क्या नाम तेरा कृष्ण नाम है भाई मेरा सुनील नाम है भाई फिर रोला क्यों करो था मैं राम तो इतनी पहले इतनी गर्मी हो रही मेरे यार तम मेरा गर्मी मतलब इसी दिक्कत की नहीं मेरा कोने का टिकट लानी है रोला भाई ओ है मैं किद का नाम का भीतर चला गया सामान 2 मिनट हमने बाहर देख देने होली अरे तम तमाशा देखने लग रहे अरे एक बार हाँ भाई तुम वीडियो बनाने लग रहे सर मत हमने तुमने चाहिए तो समझाने हैं भाई धर्मू 10 मिनट हो लिया यार मेरा लाल हो लिया खड़े खड़े समाई भी होया करा धर्मू भाई थोड़ी बहुत आने की समाई कोने यार ठीक लगा जाओ तू भाई तने किस जाना था कित के घरा बालक बार देखे स्कूल में बालक लेने मरे आ रे फिर थोड़ी 2 मिनट की समाई भी हो 2 मिनट में बालक उड़े बाहर खड़े खड़े तो पल्ला रहेगा मैं कन फोन करते थोड़े रुक जाएंगे फोन स्कूल में किसे फोन लाउड है मेरे कितने आने का मैं 2 मिनट के नाम का गया था 10 मिनट तो मंदा होगी मेरा 2 मिनट लग गया इसने तो भैया तो अच्छी बात भाई तुम देख ले इसने अरे तो हमारे तुम वीडियो बनाने लग रहे हैं काम इतना पड़ लग रहा है ऊपर तो यू आड़ लग चले आ गए ना तुम वीडियो बनाओ तो मैं तुम इन्हें समझा कौन सकते भाई ना लड़ो ना भाई हटा ले आराम से ये कत हां भाई कोई नहीं किसी की मानदा भाई समझाए था भाई मान जो मेरे मान जो 2 मिनट आड़ खड़ी होगी तो और कड़ा इसने खड़ी करू मैं गाड़ी ने पवन भाई पवन बेगराज क्या हाल भाई भाई राम राम हमारे दर्शक ने क्या हो गया अरे इनका क्यों करे पारा ठंडा कर दे भाई किसकी क्या गाड़ी हटा दी भाई राम 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 भाई भाई राम राम सारे संसार क्रांति के सभी दर्शकों को भाई राम राम मेरा रविंद्र भारतीय नाम भाई रविंद्र भाई इनका रोला हो रहा था हम भीतर बैठे रहता हम इन्हें सुलझा लियो मैंने भाई पता नहीं क्या हो गया क्या रोला देखना है सुलझाना है भाई पता चले कि रोला क्या है के बताओ भाई आराम से भाई मैंने तो देख बता दे इन्हें मेरी गाड़ी के पास गाड़ी ला दी मन्ना करा जाना बालक बार बार देख लाग रे स्कूल में थे लेकिन भाई व्यू यू जमाई नाटा है कुंगर यू कुंगर नु यू खागर नु का मैं जमाई नहीं टांदा सुनो 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 5 मिनट में फांसी आ गई इसका है 4-5 मिनट के लिए आप 4-5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करके अगले को मान लो इमरजेंसी में जाना है तो आप क्या करोगे बताओ चलो आपकी गाड़ी पे कहीं कुछ कॉन्टेक्ट नंबर डाला है आपने ये समस्या चलो सारे भाइयों ने राम राम भाई मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक और इस रोला झगड़ा का लाग जो ढेक और यू रोला झगड़ा आम बात है यू आमने तारती समझान खतर ताकि रोला झगड़ा ना बढ़े सड़क पे इतने कांड एक्सीडेंट तक होने होंगे जितने आपस का रोला रब देता है गाड़ी पार्किंग में गलत लगी या कितने आपस में रोला हो गया तो परिवार तक क्यों कर संपर्क करना है क्यों कर के मामला है तो इसके बारे में पवन भाई बताऊँगे सारी डिटेल तय पवन भाई इस तरह के जो रोड़े हो जाए हैं झगड़े हो जाए हैं भाई इब तो हटा ले इब तो दर्शकों ने बेरा पट गया मामला की है तो पवन भाई ये इस तरह के रोड़े हैं उनको क्यों कर सुलटिया जाए इसके आपस में गणा कई बार जो है नी ऊँ को नहीं चोट लग दी आपस में खुटम खुट्टा हो जाए इसके लिए एक ऐप बनाई है हमने अच्छा जिसका नाम है पार्की पार्की हाँ जी आप कहीं भी जैसे अब ये सिचुएशन थी ऐसे कोई गाड़ी रोज यही प्रॉब्लम आ रही है हर किसी हर दूसरे इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है ठीक है शहरों में भी है गांव में भी है मार्केट में भी है हर जगह में भी पवन भाई गाड़ी गलोच बुरा हाल है खुद ने झगड़े देखे हैं हमने लोग मरते हुए देखे हैं एक्सीडेंट में हाथ पैर टूटते देखे हैं तो ये हमने इसका बनाया है ये वेस्ट सॉल्यूशन कंपनी है जिन्होंने इसको बनाया है अच्छा एक बड़ी दिखा भी दो दर्शकों ने ताकि जानकारी कम शब्द में और ज्यादा बेरा पटे थोड़ा दिखाओ जी के मामला है तो भाई ये जो दृश्य हम देखने लग रहे थे ये वह दृश्य हैं जो आम पब्लिक में किस तरह छोटी छोटी बातों पर लेकर रोले हुए ये आपकी गाड़ी है ओ तेरा गर्म जमाए
और आप भी गर्म हो रहे हो, यू कॉम्बिनेशन है गाड़ी के लिए मैचिंग करके चालू है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा तो कौन भाई, प्लस अपने मत देख सामने देख। तो इवनिंग बता दर्शक ने कि आपकी यह जो जादुई ऐप है या किस तरह कमाल की है, क्योंकि हमने अखबारा में भी पढ़ा था, राजस्थान सरकार ने भी इसको मान्यता दे दी है। हाँ जी। तो किस तरह का क्या मामला है यू? ये एक पार्किंग ऐप है, एक बारकोड स्टिकर लगेगा, जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊं। अच्छा। ये गाड़ी पे लगा हुआ है मेरी, इस पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट व्हीकल ओनर स्कैन विद एनी QR रीडर, डाउनलोड दी पार्किंग ऐप। अच्छा। आपको जरूरी नहीं है कि ऐप से ही इसको स्कैन करना है। अच्छा। आप कैमरे से किसी भी QR स्कैनर से भी इसको स्कैन कर सकते हो, अपने मोबाइल में कोई भी QR स्कैन करने का अगर एप्लीकेशन है तो उस पर स्कैन करांगे तो इस पे मालिक से संपर्क करेगा, मालिक से संपर्क होगा, आपका नंबर उनके पास नहीं जाएगा, उनका नंबर मेरे पास नहीं आएगा। सपोज करो आप प्राइवेसी भी बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो आप मेरा स्कैन करके मुझे कॉल करते हो तो आपका नंबर मेरे पास नहीं आएगा, मेरा नंबर आपके पास नहीं आएगा। और अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसमें ऑप्शन है दूसरा कि इसमें दो नंबर आप अपनी किसी फैमिली के रिश्तेदार के डाल सकते हो, जो कि एक्सीडेंट के दौरान, मिस हैपनिंग के दौरान, जो कि आप रोड पर देखते होगे एक्सीडेंट में इंसान की हेल्प कैसे करोगे, तो वो आप कॉल कर सकते हो उनके माँ बाप को। चलो तो कैमरामैन कैमरा घुमा दे भाई, जिस तरह लोग इकट्ठे हो रहे नी, न्यू है तमाशा देखने की दुनिया हो रही है, ज़्यादातर जब भी कितने रोड़ा झगड़ा हुआ है तो वो तमाशा ना बने, उसके लिए हरियाणा का यू छोरा पवन बेगराज, जिसने कि भाई हरियाणा की जो इंडस्ट्रीज है, संगीत इंडस्ट्रीज, गायकी वाली जो इंडस्ट्रीज है, उसमें धमाका कर रखा था, EBU हरियाणा का छोरा हरियाणा में एक इसी चीज़ लेकर आया है जिससे कि हरियाणा में लठ बाजने कम हो जाएंगे, न्यू बात है पवन? हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा छाम आ जा, बिल्कुल आ जा दर्शकों ने बेरा पड़ जे। और इब तार को बताओगे एप्लीकेशन क्यूकर तो यूज हुआ है, किस तरह इसका फायदा है, क्यूकर इस एक दूसरे से संपर्क कराया जा सका है, आज मार गिल भाई बहुत बढ़िया रोल करे जमा हीरो बनन का है, क्या नाम है? सुनील भाई। सुनील भाई सुनील ने जमाने कसूता रोल कराया है, बैठो जी। रविंद्र भाई और सीट पे बोले देवी और सजनो 9 करोड़ के लिए अगला सवाल है। तो फोन भाई ये बताओ, या जो आपकी एप्लीकेशन है कौन तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? और हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये रुशाद राणा जी हैं, बॉलीवुड एक्टर। देखो भाई ध्यान तो देख लो, कैमरामैन भी किती कूंगा, थोड़ा जूम करके दिखा दे। और या जो जादुई पुड़िया है या जादू की वाह पुड़िया है जिस तक कि हरियाणा के रोड़े रबदे कम हो जाएंगे, तो ये भी इसका तरीका बताओ जी, किस तरह लोगों ने उपलब्ध होगी, क्योंकि फिलहाल तो हम जो है सोनीपत के गन्नौर में हैं, तो सारी दुनिया गन्नौर में तो नहीं आ सकती। हाँ जी, गन्नौर की डीलरशिप रविंदर जी ने लिए पूरे भारतीय जी सोनीपत की, और बाकी हमने काफ़ी डीलर्स बनाए हैं चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, राजस्थान में बने हैं, साउथ में बने हैं। हाँ जी हाँ जी। रविंद्र भाई था जो संपर्क करना हो, रविंद्र भाई आप लोगों का संपर्क करना हो, यू स्टिकर लुवाण खतर गाड़ी के ऊपर क्यों कर संपर्क, इसमें हमारा एक नंबर है 7700006906, ये नंबर है, इस नंबर पे कोई भी साथी संपर्क करके सोनीपत में या सोनीपत या पानीपत में अगर कोई साथी QR कोड लगवाना चाहता है, इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाना चाहता है, तो वो साथी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो नीचे हमने नंबर दिखने लग रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिखेंगे, और भाई जो वीडियो का जो टाइटल है उसमें भी हमने नंबर दिखेंगे, उन पर संपर्क करके रविंद्र भाई तक संपर्क कर सको हो, और भाई डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी संपर्क कर सको, डीलरशिप के लिए। जी डीलरशिप के लिए मेरी कंपनी बेगराज कॉर्प, जिसका नंबर है 9999993, इस नंबर पे कॉल करके डीलरशिप ऑल इंडिया कहीं की भी डीलरशिप के लिए आप कॉल कर सकते हो। और जो लोग कहते हैं कि हमें भाई काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, काम बहुत है, करने वाला चाहिए। बाकी एक बात है कौन भाई, जो कर मतलब एक अपनी इंडस्ट्री है जो मान लो गीत संगीत की, उसमें जो कर डायरेक्टर होया करे, किरदार होए अभी तक, किरदार काम से चेंज कर दिया थोड़ा। हाँ जी बिल्कुल, किरदार वो कैसे निकल सकता है, वो रमा हुआ है। चलो इस पुड़िया के यानी कि ये जो जादुई स्कैनर है, ये जो QR कोड है, इसके फायदे के हैं? एक फायदा तो हो गया, रोड़े झगड़े कम हो जाएंगे, थोड़े से और फायदे और बता दो दर्शकों। मैं फायदे बता देता हूँ इसका। पहला फायदा आपने देख लिया कि गाड़ी कहीं भी गलत खड़ी है। दूसरा फायदा आपकी गाड़ी का मान लो हेडलाइट ऑन है, शीशा खुला है, तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, स्कैन करो और कॉल करो। तीसरा जो सबसे मेन है कि रोड एक्सीडेंट में आप देखते हो कितने एक्सीडेंट होते हैं, बाइक, कार, स्कूटी। हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं अपनी गाड़ी का, प्रीमियम पे करते हैं। क्या हम सोचते हैं कि हमारी गाड़ी ठुके और हम क्लेम ले? कभी नहीं, लेकिन प्रीमियम हम देते हैं। तो 799 रुपये यार 5 साल के लिए पे करो और अपनी कार को और अपनी फैमिली को सेव करो। और इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, क्या आप लोगों को ये पता है कि आपकी RC इंश्योरेंस DL कब एक्सपायर होने वाले हैं?
लेकिन हमारी ऐप आपको एक हफ्ते पहले ही इंटीमेट करेगी कि आपकी डॉक्यूमेंट। ये तो बड़ी बात बता दी आपने, यानी कि किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस ड्यू होने लग रहा है या गाड़ी की आरसी एक्सपायर होने लग रही है या पोल्यूशन, अच्छा पोल्यूशन भी, यानी कि तो भाई सारा की मैं बता दें कि जो मानस नहीं बता रहे किस टाइम खाना किस टाइम नहाना है, गाड़ी की किस्त ड्यू है उसका भी है क्या कोई सिस्टम? नहीं किस्त का नहीं है, पर्सनल सा मैटर है जी भाई, तो प्राइवेसी भी फिर उसमें लीक हो है। तो प्राइवेसी को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये जो QR कोड है वो कितना सुरक्षित है, और एक व्यक्ति जब गाड़ी का जो ओनर है न्यू तो नहीं होगी उसको कोई बार बार परेशान करे या कुछ इस तरह? देखिए इसमें क्या है, नंबर शेयर नहीं होगा। आप ये देख लेडीज़ के लिए किसी का भी नंबर शेयर होना बिल्कुल हाँ जी, और दूसरा क्या है कि किसी आदमी के लिए भी नहीं है, आपके लिए मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि हर किसी के फ़ोन नंबर पेटीएम गूगल पे इनसे अटैच हैं और फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें नंबर आपका शेयर नहीं होगा, हमारी पार्किंग कंपनी से ही कॉल आएगा और दोनों नंबर सेम होंगे स्क्रीन पे जब कॉल आपको आएगा। देवराज भाई ये बताओ, बेगराज भाई ने बताओ, मान लो गाड़ी का ओनर गाड़ी में बैठा है और बाय चांस कोई ऐसी मिस हैपनिंग होगी, वो तो उसने तो उसको नहीं, ये गाड़ी मान ली कोई संपर्क करे है तो QR कोड तो संपर्क करेगा, फोन उसका तो रबात जगह घर क्या गला संपर्क क्यों कर जाओ? इसमें ऑप्शन है ना, एक नंबर पहला नंबर डलेगा गाड़ी के ओनर का जो गाड़ी यूज़ कर रहा है, दो नंबर डलेंगे जो अल्टरनेट आपको डालना है, मम्मी पापा दोस्त वाइफ फैमिली दोस्त किसी का भी, तो इसमें नंबर आप तीन नंबर डालेंगे। वैसे बड़ी बात है, यानी कि कार ओनर के अलावा उसके और जो पर्सनल रिलेशन में कोई भी व्यक्ति है उसके नंबर बीच में दिए जा सकते हैं, बीच में नंबर बदलने हो या कुछ और हो। और यू कितनी देर में मान ले मैं आ गया, मन ने अपनी गाड़ी बलवाना है, कितना टाइम लगा? क्यों टाइम बहुत कम लगा, 1 से 1.5 मिनट में एक्टिवेट है ये। अच्छा हाँ जी, मैं आसान सा मामला है, और जब संपर्क करना हो तब कितनी देर में? 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड में, बहुत बड़ी बात है भाई, यानी कि 10 सेकंड में संपर्क करके, और जो सीन था हमने थोड़ी आने पहले देखा था आपस में रोड़ा झगड़ा लठ बाजन था पेंडा छुटा जा सके है, झगड़े को ख़त्म करा जा सके है। एक रिक्वेस्ट है सभी से जो ये वीडियो को देख रहे हैं, हमने ये सभी के लिए चीज़ बनाई है कि हर किसी को फ़ायदा हो, और इस वीडियो को जिसको ये चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये एक शेयर आपका जन जन तक पहुंचेगा, किसी की जिंदगी भी बचा सकता है, जिंदगी बचा सकता है, और जिंदगी की वैल्यू आपको पता ही है। पहली ऐसी वीडियो है भाई जो कि जिसका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सका है, झगड़ा है रोड़ा झगड़ा है, गाड़ी कितने पार्किंग में है कितने ऐसी जगह पर खड़ी होगी जित नहीं खड़ी करनी चाहिए, तो कम तक हम गाड़ी को टो करने तक पहले कैमरा को सूचना दे दे, चलान कटने तक भी बचा जा सके। बिल्कुल, तो रविंद्र भाई और जैसे मान लो गाड़ी किसी नॉन पार्किंग एरिया में खड़ी है तो पुलिस भी संपर्क कर सकते? हाँ बिल्कुल, पुलिस भी, एक नितिन गडकरी का भी एक बयान आया है कि अगर कोई भी रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है तो कोई भी आम जनता का उसकी एक फ़ोटो एक ऐप पे डाउनलोड कर सकता है, जिसको भारत सरकार 500 रुपये देती है एक, और भारत सरकार उसका चलान करवाएगी उसके लिए। मैं एक टिप्पणी करूँगा उसके लिए, सॉरी, बहुत अच्छी बात याद दिलाई है रविंद्र जी आपने, आप मुझे बताइए धर्मू जी, मेरी गाड़ी रॉन्ग पार्किंग खड़ी है, आपने उसका फ़ोटो क्लिक किया अपलोड किया, मेरा 1000 रुपये का चलान हुआ, आपको 500 रुपये मिल गए, ठीक है, उस 500 के लालच में लोग क्या करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे सुबह से शाम, क्या होगा, सिर्फ ये सोचेंगे कि यार काम धंधा नहीं जाएंगे, 5 गाड़ी के फ़ोटो खींच लो काम हो गया। तो इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है जी, इसमें बदलाव की ये ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए कि भाई हमने सोल्यूशन निकाला है, तो इस पर जो सोल्यूशन है, अब आप एक बात बताइए, 500 रुपये चलो रखा है उन्होंने, आपकी गाड़ी अभी जैसे झगड़ा जो सिचुएशन थी एकदम उतर करना पड़ा हमने, नहीं अगर इसमें फ़ोटो खींच के डाल दिया तो चलान तो चलो हो गया, लेकिन जिस बंदे को निकलना था इमरजेंसी थी वो 500 रुपये उसके लिए ज़्यादा है या उसके लिए इमरजेंसी जो निकलना है, अगर मान लो किसी का बंदा कोई इमरजेंसी में फंसा हुआ है उसको निकलना है गाड़ी से, तो उसके लिए 500 क्या 5 लाख रुपये भी उस टाइम कुछ नहीं है, जीरो है। कई बार कुछ इमरजेंसी भी हुए हैं, कई जगह गाड़ी इसी पार्किंग में खड़ी करनी पड़ जाए, कई बीमार आदमी को लेकर जा रहा है या कोई बच्चा के लिए कोई इमरजेंसी हो जाए, तो यह जो एप्लीकेशन है यह बहुत काम किसी दोस्त का है, और तमने या किसी लगी वाक्य में कुछ जादुई ऐप है और चंद सेकेंड में संपर्क किया जा सके है घर आने,
और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो प्राइवेसी है वह लीक होने का खतरा को नहीं, यह खास बात है। तो वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो भाई, और तमने यह एप्लीकेशन किसी लगी तो हमने यू QR कोड किसा लग गया, और यह पार्की की जो एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर लियो, डाउनलोड के फायदे भी इसके काफ़ी सारे हैं। तो भाई जी ला के वीडियो ने शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि मज़ा आवे भरपूर और समस्या उसके दूर। ठक्को शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।